सूरत की रेसिपीज बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, और वैसी एक रेसिपी रिसेंटली लाइफ में पहली बार मैंने ट्राई की एंड आई वॉज माइंड ब्लोन। वही रेसिपी, सूरत स्पेशल रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। What's up guys, संजोत कीर here, welcome to IFL। सूरती आलू पूरी की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। एक स्पेशल सूरत का स्ट्रीट फूड है। जब भी हम आलू पूरी सुनते हैं या पूरी आलू सुनते हैं तो हमको वो सब्जी वाला जो है फॉर्म वो याद आ जाता है, बट ये कम्प्लीटली अलग होता है। एक चाट के फॉर्म में आलू पूरी सर्व की जाती है जो बहुत डिलिशियस लगती है। इस रेसिपी के मेन कॉम्पोनेंट से होते हैं, एक रगड़ा आलू बनाया जाता है, जो वाइट मटर होते हैं उसका रगड़ा, उसमें आलू डाल के बनाया जाता है। साथ ही में इसकी पूरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, एक वाइट रंग की पूरी होती है जो एकदम ज़्यादा क्रिस्प नहीं होती है, वैसी पूरी बनाई जाती है। और फिर दो चटनियाँ बनाई जाती हैं, एक तो हरी चटनी होती है तीखी वाली, और एक होती है स्पेशल चटनी कोकम की, एक खट्टी वाली कोकम की चटनी होती है जिसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अलग लगता है। फिर सारी चीज़ों को असेंबल करते हैं, पूरी के ऊपर रगड़ा, उसके ऊपर चटनियाँ, बहुत सारा प्याज क्रश करके सेव पूरी डालते हैं, ऊपर से तीखी वाली सेव डालते हैं, चाट मसाला धनिया डालकर इसको सर्व किया जाता है, और बहुत ही डिलिशियस ये रेसिपी लगती है। तो यही रेसिपी आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन YFL। अब ये सूरती आलू पूरी बनती कैसी है वो देख लेते हैं। अब पूरी का डो बनाने के लिए एक बोल में 1.5 कप मैदा, 1 टीस्पून तेल और 1 चुटकी नमक डालकर मिक्स कर लीजिए। अब धीरे धीरे इसमें पानी डालकर, जैसे पूरी का डो लगाते हैं, एक सेमी सॉफ्ट डो लगाते हैं, वैसा डो आपको लगा लेना है। पानी डालकर जब डो एक साथ आ जाए इस तरीके से, इसको प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र करके आपको अच्छे से गूंदना है 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये डो एकदम स्मूथ हो जाता है। डो आपका बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इसको एकदम पतली तरीके से बेल नहीं पाओगे और पूरियां बराबर बनेगी नहीं। आप देख सकते हो डो एकदम स्मूथ हो चुका है, इसको आपको दिखा भी देता हूँ, देख सकते हो एकदम सेमी सॉफ्ट है। इस स्टेज पर इस डो को एक हल्का सा तेल लगाना है, बोल में ट्रांसफ़र कर देना है और एक कपड़े से ढककर इसको रेस्ट होने रख देना है। तो डो हमने लगा दिया है, इसको भी रेस्ट करना है जब तक का बाकी का प्रोसेस होगा। 15-20 मिनट आधे घंटे का रेस्ट दे सकते हो कि आसानी से आप पूरियों को बेल पाएँ, आटा हमारा अच्छे से ढल पाएँ। पूरियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम अलग टाइप की पूरी बनती है। जब बनाऊंगा मैं एकदम लास्ट में बनाऊंगा तब आप देखेंगे कि पूरी जो है इसकी बहुत ही अलग होती है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये कि हमको इसकी चटनियाँ बनानी है, वो बना लेते हैं। तीखी हरी चटनी बनाने के लिए 1 बंच ताज़ा धनिया, थोड़ा सा ताज़ा पुदीना, 7 से 8 तीखी वाली हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 1/2 टीस्पून काला नमक टेस्ट के हिसाब से नमक, बर्फ़ का टुकड़ा कलर रिटेन करने के लिए, और थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक चटनी बना लीजिए। आप देख सकते हो मैंने चटनी को पीस लिया है, हमारी तीखी वाली हरी चटनी रेडी हो गई है। अब खट्टी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 50 ग्राम कोकम लिया है। ये जो कोकम है ये आसानी से मिल जाता है मार्केट में, इसको बर्तन में डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए इसके अंदर, साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून गुड़। गुड़ खाली बैलेंस करने के लिए फ्लेवर, इससे मीठी नहीं होगी आपकी चटनी। ये सारी चीज़ों को आपको लगभग 10-12 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। गुड़ आपका मेल्ट हो जाएगा, कोकम अच्छे से अपना फ्लेवर छोड़ देगा, मसालों के साथ अच्छे से पक जाएगा। एक बार ये इस तरीके से पक जाए गैस को बंद कर दीजिए और इसको रूम टेम्परेचर पर ले आइए पीसने से पहले। एक बार ये ठंडा हो जाए तो इस सारे मिक्सर को एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए और एकदम फाइन पेस्ट में आपको पीस लेना है। आपको इसमें पानी डालना पड़ेगा, एक पतली चटनी बनानी है तो जितना पानी लगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करके इसकी एक फाइन चटनी पीस लीजिए। आप देख सकते हो मैंने चटनी को पीस लिया और ये हमारी खट्टी कोकम की चटनी रेडी हो गई है। तो चटनियाँ हमारी अभी बनकर तैयार हो गई हैं। तीखी वाली हरी चटनी वो फ्रेशनेस और वो तीखापन ऐड करेगी, और जो ये कोकम की चटनी है, कोकम का फ्लेवर बहुत ही यूनिक होता है, खट्टा सा फ्लेवर होता है, तो ये चटनी जो है ना बहुत इनक्रेडिबल लगती है रेसिपी के अंदर। तो कोकम की चटनी ज़रूर बनाना, उसके बिना ये रेसिपी इनकम्प्लीट होगी। तो ये चटनी हमने बनाकर तैयार कर ली है। अब नेक्स्ट हमको जो आलू है, रगड़े वाला आलू है, वो बनाना है। वो कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सफ़ेद मटर ले लिए, मटर को ऐसे धोकर सोक कर लेना है आपको ओवरनाइट। तो यहाँ पर मैंने मटर को भिगो के रखा था, आप देख सकते हो इस तरीके से अच्छे से फूल जाएंगे। मटर को आपने एक बार सोक कर लिया, इसका पानी निकाल दीजिए। अब एक प्रेशर कुकर में इन मटर को ऐड कर दीजिए, साथ ही में 2 लार्ज आलू को मैंने इसे डाइसेस में कट कर लिया था वो ऐड कर दीजिए।
पानी आपको 1 इंच ऊपर तक डालना है मटर के, और साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। कुकर का ढक्कन लगाइए। अब 4 सीटी के लिए आपको इन मटर को और आलू को साथ में पका लेना है प्रेशर कुकर के अंदर। एक बार 4 सीटियां लग जाए, गैस को बंद कर दीजिए, भाप को अपने आप निकलने दीजिए। उसके बाद कुकर की विसल को चेक करके आपको ढक्कन खोलना है। या आप देख सकते हो मटर और आलू हमारे अच्छे से पक चुके हैं, आपको दिखा देता हूँ। या आप देख सकते हो आलू एकदम अच्छे से इजीली टूट रहा है, मटर भी इजीली मैं दबा पा रहा हूँ। इस स्टेज पर इस रगड़े को आपको साइड पर रख देना है, इसको भी तड़का देना है। तड़का देने के लिए एक बर्तन को सेट करके गरम कर लीजिए। अब उसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार गरम हो जाए तो 1 लार्ज चुटकी जीरा, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और मिर्च की पेस्ट डालिए। स्टर करके लगभग 30 सेकंड के लिए पका लीजिए। अब फ्लेम को लो करके इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून धनिया का पाउडर डालिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए। उसके बाद बॉईल किए हुए मटर और आलू इसमें ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद आपको हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते हुए इसको पका लेना है। थोड़ा सा गाढ़ापन देने के लिए यहाँ पर मैं करछी से इसको मैश कर रहा हूँ। थोड़े मटर और आलूओं को मैश कर लीजिए कि आलू के पीसेस छोटे हो जाएं और इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। बस आप देख सकते हो मैंने कैसे इसको थोड़ा मैश कर लिया। अब इसको पका लीजिए 3-4 मिनट के लिए, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी सेट हो जाए। क्या आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी इसकी सेट हो गई है, इसी तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस स्टेज पर टेस्ट कर लीजिए नमक के लिए और नमक एडजस्ट कर लीजिए। 1 चुटकी गरम मसाले का पाउडर डालिए और ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कीजिए। अच्छे से स्टर कर लीजिए और आप देख सकते हो हमारे रगड़े वाला आलू जो है वो रेडी हो गया। तो ये रगड़े वाला आलू जो है ये पूरी के ऊपर जाता है। जैसे हमारे मुंबई में रगड़ा पैटिस बनता है, रगड़ा पूरी बनती है, वैसे ही रगड़ा है, खाली उसमें जो है ना कभी कभी अदरक लहसुन और मिर्च की पेस्ट नहीं जाती, वो इसमें जाती है और साथ में आलू भी ऐड किया जाता है। और आलू को एकदम मैश नहीं कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस रहते हैं। जो रगड़ा होता है मुंबई का उसमें आलू को कम्प्लीटली मैश कर देते हैं, या घर पे जब बनाया जाता है तो सिर्फ मटर ऐड करते हैं, आलू नहीं ऐड करते। तो सिंपल सा ये प्रोसेस है। रगड़ा जो आलू है हमारा वो रेडी हो गया है। अब लास्ट स्टेप बचा है, हमारा जो डो है पूरी का वो रेस्ट हो चुका है। पूरी को बेलकर फ्राई कैसे करना है, ये स्पेशल वाली पूरी बनती कैसी है वो देख लेते हैं। एक बार डो रेस्ट हो जाए तो डो का पेड़ा कट कर लीजिए। इसको अभी सूखे मैदे से कोट कर लीजिए। अब आपको एकदम पतली तरीके से इसको बेल लेना है। शेप का इधर ध्यान नहीं देना है आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि एज इट इज़ हमको इसको कटर से कट करना है। तो पतला से पतला इसको भी आप बेल लीजिए। आप देख सकते हो इसकी थिकनेस कैसी है, ऐसे आपको बेल लेना है। अब एक कुकी कटर या ग्लास या कटोरी लेके आपको इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से पूरी के शेप में इनको कट कर लीजिए और बाकी का जो डो है वो निकाल दीजिए। आप देख सकते हो कैसे पूरियाँ बन गई हैं। अब इन पूरियों को फ्राई करने के लिए एकदम तेज़ आंच पर आपको तेल को गर्म करना है। तेल आपका अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, फ्लेम हाई रहनी चाहिए। एक साथ आपको केयरफुली पूरियों को डाल देना है और झारे की मदद से बस हल्का सा अल्टा पलटा करना है। और कुछ ही सेकेंड्स में, इनका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, बस पक जानी चाहिए, कुछ ही सेकेंड्स में आपको इनको निकाल देना है। आप देख सकते हो मैंने कितना फटाफट निकाल लिया। निकाल कर एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर लीजिए कि एक्सेस तेल निकल जाए। जो भी पूरियाँ फूली हुई हैं एक टिश्यू पेपर की मदद से उनको हम चपटा कर देंगे। हमको चपटी पूरियाँ चाहिए, जो पूरियाँ फूली नहीं हैं वो परफेक्ट हैं, ऐसी आपको रखना है। तो हमारी स्पेशल वाली पूरी रेडी हो गई है। तो आपने देखा कितनी अलग टाइप की ये पूरी बनती है। इसको बिल्कुल भी आपको एकदम क्रिस्प नहीं करना है, पापड़ी जैसे नहीं बनाना है, कलर नहीं चेंज होना चाहिए, ऐसे वाइट ये पूरी रहनी चाहिए। इसी तरीके से बाकी की पूरियाँ बना लेंगे। जब ये रेसिपी को हम असेंबल करेंगे ना, आप देखेंगे एक चाट वाला टाको बन जाता है, एकदम टाको स्टाइल ये बनता है। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसकी असेंबली बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी सारी चीज़ें बन गई, सारी कॉम्पोनेंट्स रेडी हैं। अब ये सूरती आलू पूरी को असेंबल कर लेते हैं वाइफल स्टाइल।
मज़ा आ जाता है ये सूरती आलू पूरी खाने में, एकदम चाट वाला वाइब है, डिफरेंट एकदम रेसिपी है और मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। वो कोकम की चटनी, तीखी चटनी, वो तीखी वाली सेव, ये सारी चीज़ें जब मिलती है ना, इट्स अ माइंड ब्लोइंग रेसिपी। सूरत में इसके वर्जन्स बनाए जाते हैं, चीज़ डाल दिया जाता है, अलग अलग चटनियाँ डाल के फ्लेवर कर दिया जाता है, तो वो सारे वर्जन्स आप बना सकते हो बनाना। तो ये बेसिक रेसिपी है, मज़ा आएगा आपको खाने में, ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। कमेंट्स में बताओ मुझे रेसिपी कैसे लगी, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।